एवरीवन, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, फरक्का परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस थे ए सोन, बी गंगा, सी चिनाब या फिर डी कावेरी। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी गंगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है? कैलाश, मनुदेवी, भीमाशंकर या फिर मरकंदेवेश्वर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मरकंदेश्वर। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई थी? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक, अशगाबाद, ताशकंद या फिर दुशांबे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ताशकंद। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया था? उद्योग, कृषि, निर्यात प्रोत्साहन या फिर रोजगार सृजन। जवाब है ऑप्शन बी कृषि। अगला सवाल, यूनानी राजदूत मेगस्थनीस ने भारत पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रिहला इंडिका, किताबुल हिंद या फिर बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। जवाब है ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारकों का उदाहरण नहीं है? नदी, लाइकेन, आर्द्रता या फिर तापमान। आंसर है ऑप्शन बी लाइकेन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का उल्लेख है? प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकार में या फिर राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में। तो जवाब है ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में, विद्युतीय ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी विद्युतीय ऊर्जा। अगला और अंतिम प्रश्न, फ्रीडम ऑफ फियर के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए लालकृष्ण आडवाणी, बी नेल्सन मंडेला, सी महात्मा गांधी या फिर डी आंग सान सू की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आंग सान सू की। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। भारतीय ज्ञानपीठ किससे संबंधित संस्था है? ऑप्शन है ए संगीत, बी विज्ञान, सी साहित्य या फिर डी वास्तुकला।
तो प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।